तो नाउ स्टूडेंट्स अभी हम एक्चुअल uh, ज़ैम को आई विल टेल यू के ज़ैम को डाउनलोड कहाँ से करना है और इसको अपने लोकल पी सी पे फॉर टाइमिंग uh, हमने इंस्टॉल कैसे करना है तो इस पूरे प्रोसेस में आई विल मेक श्योर कि आपको कोडिंग ना करनी पड़े क्लिक uh, क्लिक से ही आई विल ट्राई के uh, हमारा काम हो जाए सो लेस डू इट गूगल पर जाएँ यहाँ सिंपल लिखें डाउनलोडिंग जैम्प वन यू विल क्लिक हेयर यू विल एंड अप विद यानी ये यू आर एल आपके पास आ जाएगा अमूमन ये अपाची फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी इस पर क्लिक करें देन यू विल बी रीडायरेक्टेड हेयर इस पर अब आपका कंप्यूटर जो है अगर लेट सपोज थर्टी टू बिट है सिक्सटी फोर बिट है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है क्यों विंडो तो है अगर विंडो है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इनमें से कोई वर्जन डाउनलोड करेंगे लेनिक्स है तो यहाँ से करेंगे अगर आपका वर्जन कोई वर्चुअल मशीन है तो अब यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड और अगर अपने इसके अलावा एड ऑन करना है द्रूपल करना है वर्ड प्रेस करना है इसके ऐड ऑन भी मौजूद हैं तो लेट्स कीप अर लाइफ सिंपल मैं यहाँ से इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग हेयर अब मैंने क्योंकि ये डाउनलोडिंग ऑलरेडी की हुई है तो लेट लेटमी शो यू के इसको इंस्टॉल कैसे करना है अब ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है आप उसको डाउनलोड करेंगे तो एक इस तरह का आपके पास एग्जी फाइल आ जाएगी ऑल यू नीड टू डू इज कि जहाँ पे भी डाउनलोड हुआ है लेट सपोज यहाँ पे डाउनलोड हुआ तो जस्ट गो टू जब डाउनलोड सक्सेसफुल हो जाएगा तो शोन इन फोल्डर की ऑप्शन आती है जस्ट लाइक हेयर इस पर क्लिक करेंगे आप लोग तो इट विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर जहाँ पे भी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो मैंने उसको वहाँ से मूव आउट कर दिया हुआ है अब मैंने उसको अपने लोकल पीसी पे इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑल आई नीड इज़ कि आप वो आपसे पूछूंगा डू यू यू वॉन्ट टू रन द फाइल आप रन पे क्लिक करें देन इट विल टेक सम टाइम ऑब्वियसली डिपेंडिंग पॉन मशीन थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद बिट नामी का लोगो आएगा देन यू विल क्लिक हेयर वो कहेगा अब यहाँ मेरे लोकल पीसी के ऊपर एंटी वायरस इंस्टॉल है बट आई विल से कंटिन्यू एनी वे इसको इग्नोर कर दें उसके बाद दिस इज़ सेटअप फाइल आप इस पर क्लिक करें सिर्फ क्लिक क्लिक करना और कुछ भी नहीं करना ये पाथ है उसका जहाँ पे इंस्टॉल करना है ये अपने पास कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा रीज़न बीइंग कि जब हमने ये वेरीफाई करना है कि सक्सेसफुली जैप इंस्टॉल हो गया है या नहीं हो गया एक्चुअली हम इस पाथ को जाके ब्राउज करेंगे तो सिर्फ़ इस पाथ को नोट कर लें दिस इज़ इट इसकी सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंस है और ये सी पे भी हो सकता है डी पे भी हो सकता है मैं सिर्फ सिम्पलिसिटी के लिए ये पाथ को चेंज नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को ज़्यादा मसला ना हो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एंड दिस इज़ एक्चुअली अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है विच विल टेक सम टाइम ये इंस्टॉलेशन हो रही है पीछे सो लेट्स वेट हेयर सो नाउ स्टूडेंट्स जब आपका जैम्प डाउनलोड होकर इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी अब आपने ये वेरीफाई करना है कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हुई है कि नहीं हुई तो इसके दो तीन तरीके हैं सबसे आसान तरीका सी ड्राइव पे जाएं यहाँ पे आपका जैम्प के नाम का एक्स ए एम डबल पी के नाम का एक फोल्डर बन गया होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जैम्प अंडर्स को स्टार्ट की एक आइकॉन आ जाएगा इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा अब आप देख रहे हैं अपाची और माए स्क्यूल को मैंने स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि तो यहाँ पर स्टॉप आ रहा है अगर तो ये चल रहे हैं सक्सेसफुली और यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ रहा है दिस इज़ वन इंडिकेशन के जैप सही इंस्टॉल हो गया है अब आपने इसको एक्सेस करना है ब्राउजर में ब्राउजर में ओपन करें सिंपल सिंपल ब्राउजर में लिखें लोकल होस्ट लोकल होस्ट से सिंपल बराद ही होती है कि आप इंटरनेट पे नहीं जा रहे आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के कुछ डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो मैं लोकल होस्ट लिखा अगर इस तरह की स्क्रीन आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जैम्प है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया दिस जैम्प इज़ बेसिकली अपाची मारिया डीबी PHP and Perl. Web server Apache ये खुद है, ठीक है? और X का मतलब ये है कि operating system तो हमारा window है तो उसने Xampp को Xampp रहने दिया। So if this window comes in successfully, तो इसका मतलब ये है कि Xampp आपका successfully install हो गया। आप ये वाली window open करें और let's suppose इस Apache को stop कर दें। अब आप यही localhost लिखेंगे ना, तो इट शुड गिव यू एरर अब ये देखें इसका मतलब कतन ये नहीं है कि अपाची या जैप सही इंस्टॉल नहीं हुआ इससे मुराद ये है कि आपने अपाची को स्टार्ट नहीं किया यानी यहां पे जो अपाची के सामने है वो अभी कुछ स्टेटस नहीं आ रहा सिंपल स्टार्ट कर दें लाइक दिस और इसको आके रिफ्रेश कर दें लाइक दिस दिस इज इट ये इंडिकेशन है कि जैम्प सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया तो दिस इज़ सिंपल क्लिक एंड ड्रैग प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल जैम्प इसके अंदर जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि इसमें जो हमने इसका जो डेटा बेस है लाइक मारिया डीबी माई एस उसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर और मौजूद है जिसको बोलते हैं पी एच पी माई एडमिन PHP My Admin is basically web interface to access MySQL या MariaDB database. जैसे ही अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सिंपल क्लिक एंड ड्रैग है मैं कहीं कोड नहीं कर रहा अभी हालांकि हम लोग कोड कर सकते हैं जाके लेकिन सिंपल क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं जब आप पी एच पी माई एडमिन पर क्लिक करेंगे तो दिस सॉर्ट ऑफ इंटरफेस शुड कम इन ये बेसिकली अब हम डेटाबेस पे लॉगिन कर गए हैं यानी डेटा बेस पर जाके अब हम कुछ इस पर डेटाबेस डाइग्राम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सो दिस शोज के जैम्प हमने सक्सेसफुल इंस्टॉल हमने कर लिया